हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स क्रेजी और आपके साथ मैं हूं हिमांशु द्विवेदी। मॉर्निंग क्रिकेट अपडेट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में ऑन द फील्ड या ऑफ द फील्ड क्रिकेट में जो कुछ भी चल रहा है आपको मैं उससे रूबरू करवाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले बात करते हैं कल के खेले गए मुकाबलों की, जिसमें आरआर और आरसीबी ने पहला मुकाबला खेला, जिसमें बेंगलोर ने राजस्थान को एक बहुत बड़े मार्जिन से हराया। 112 रनों के मार्जिन से उन्होंने राजस्थान को मात दी और पॉइंट टेबल में वो पांचवें नंबर पर आ चुके हैं। उन्होंने अपना नेट रन रेट भी अच्छा सुधार लिया। कल बात करें कल खेली गई इनिंग के बारे में, तो मैंगलोर ने पहली बैटिंग करते हुए 171 रन बनाए, जिसमें एक बार फिर से डुप्लेसिस और मैक्सवेल ने अच्छा खेल का प्रदर्शन किया और अपनी अपनी हाफ सेंचुरी पूरी की। डुप्लेसिस ने 55 रनों की पारी खेली, वहीं मैक्सवेल ने ताबड़तोड़ 54 रनों की पारी खेली। अंत में अनुज रावत ने अच्छा फिनिश किया, एक आरसीबी को अंत में उन्होंने दो छक्के और कुछ बाउंड्रीज मार के 171 रनों तक पहुंचाया। जवाब में उतरी राजस्थान की शुरुआत अच्छी नहीं रही। जो रेड हॉट फॉर्म में यशस्वी जायसवाल चल रहे थे उनकी फिट उन्होंने क्या नाम है शून्य रन पे आउट हो गए। वो सेम ऐसा बटलर का भी रहा। बटलर का इस सीजन वैसा फॉर्म देखने को मिला नहीं है जो हम देखते आए हैं बटलर से। वो भी कल 0 रन पे आउट हो गए। संजू सैमसन भी कुछ खास नहीं कर पाए, बैटिंग कुछ खास कर नहीं पाई राजस्थान की और मात्र 59 रन पे आउट हो गई। मैं आपको बता दूं ये तीसरा लोएस्ट आईपीएल स्कोर है अब तक की हिस्ट्री का, जिसमें पहला बेंगलोर का है, दूसरा देखें तो फिर से राजस्थान का ही है और तीसरा भी राजस्थान ने अपने नाम कर लिया है। एक ही ऐसा रिकॉर्ड है जो राजस्थान भुलाना चाहेगा और आगे आने वाले मैचेस पे अपने जो एक लीग मैच बचा हुआ है उस पे उसको जीतना चाहेगा। क्योंकि अगर अब हम पॉइंट टेबल को देखें तो आरआर ऐसी पोजीशन पे पहुंच चुका है कि अब उनके हाथ में अपनी क्वालिफिकेशन नहीं है। वहीं बात करें बेंगलोर की, तो बेंगलोर अपना चाहेगा कि अंत के दोनों मुकाबले जीते, 16 पॉइंट्स पे पहुंचे और उसके बाद रन रेट का खेल रहेगा आरसीबी के लिए कि वो क्वालिफाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। बात करते हैं कल के दूसरे खेले के मुकाबले की, तो दूसरा मुकाबला केके और चेन्नई के बीच में खेला गया। चेन्नई के होम ग्राउंड पे चेपॉक पे खेला गया। माना जा रहा था ये धोनी का कल आखिरी लीग मैच हो सकता है चेन्नई में, अगर वो अगले सीजन नहीं खेलते हुए नजर आते या चेन्नई तीसरे या चौथे नंबर पे क्वालिफाई करेगी। तो बात करें सबसे पहले जब चेन्नई बैटिंग करने उतरा तो चेन्नई की एक उन्होंने 144 रन बनाया 20 ओवर में, जो कि एक इतना अच्छा स्कोर था नहीं कि वो चेन्नई की टीम कॉन्फिडेंट समझती अपने आप को डिफेंड करने के लिए। बैटिंग करने आए ऋतुराज गायकवाड़ और कॉनवे की शुरुआत कुछ खास रही नहीं। 17 रन पे गायकवाड़ आउट हुए, 30 रन पे कॉनवे आउट हुए। एक जो पारी इसमें स्टैंड आउट हुई वो थी शिवम दुबे की। कंसिस्टेंटली वो अच्छा परफॉर्म करते आ रहे हैं सीजन, आपने देखा होगा स्पिन के अगेंस्ट उनकी बहुत अच्छी स्ट्राइक रेट से खेलते आ रहे हैं। एक मिडल ऑर्डर में शिवम दुबे एक ऐसे स्टेबल बैट्समैन निकल के उभरे हैं इस साल चेन्नई के लिए कि चेन्नई कॉन्फिडेंट फील करती है जब विकेट एक तरफ से गिर रही होती है, स्कोर का जो रन रेट होता है उसको बढ़ाने के लिए शिवम दुबे के ऊपर उन्होंने जिम्मेदारी दी गई थी और उन्होंने बखूबी इस जिम्मेदारी को लिया है और पूरी भी की है। आपको बात करें बाकी उसमें सुनील नारायण की, सुनील नारायण ने कल अच्छी बॉलिंग की जिसमें उन्होंने एक 4 ओवर में 15 रन देके 2 विकेटें ली और एक उन्होंने 2 विकेटें एक ही ओवर में ली थी। चेन्नई की जो मिडिल ऑर्डर में जब वो एक्सेलरेट करते हैं उन्होंने उस चीज़ को रोका। बैटिंग करने आए केकेआर की भी शुरुआत हम देखें तो कुछ खास रही नहीं। जेसन रॉय, गुरबाज और वेंकटेश अय्यर जल्दी जल्दी आउट हो गए, 33 रन पे उनके 3 आउट थे। चहर ने एक बार फिर से पावर प्ले में, उनके डेब्यू से अब तक किसी ने ज़्यादा विकेट ली नहीं है, कल उन्होंने फिर से शो किया क्यों पावर प्ले के एक लीथल बॉलर माने जाते हैं। अब बताऊँ उसके बाद नीतीश राणा और रिंकू सिंह ने सूझबूझ भरी हुई पारी खेली, धीरे धीरे स्कोर को बढ़ाया उन्होंने, स्पिनर्स को अच्छा काउंटर किया उन्होंने चेन्नई के स्पिनर्स जो एक अपनी फिरकी में फंसाने के लिए माने जाते हैं, उन्होंने एक अच्छा काउंटर किया उस चीज़ को। दोनों ने 99 रनों की पार्टनरशिप की थी जिसके जवाब और ये स्कोर को 19वें ओवर में केकेआर ने चेस कर लिया। अब देखा जाए तो कुछ केकेआर की इतनी चांसेस है नहीं आपको क्वालिफाई करने के। केकेआर अभी भी सातवें नंबर पे बना हुआ है, उनके 13 मैचेस में 12 पॉइंट्स हैं। अगर वो 14 आखिरी मैच जीत भी जाते हैं तो उनके भी 14 पॉइंट्स होंगे, तो बहुत मुश्किल है अगर कुछ ऐसा हो कि चौथे नंबर पे तीसरे नंबर पे वो क्वालिफाई हो जाएं, क्योंकि दो टीम्स के पहले से ही 16 और 15 पॉइंट्स हैं तो उनके चांसेस क्वालिफाई करने के बड़े कम है। अगर हम चेन्नई की तरफ देखें तो चेन्नई के पास एक कल बहुत अच्छा मौका था अपने नाम के आगे क्यू लगवा लेने का, उनके और चांसेस भी बढ़ जाते टॉप 2 में क्वालिफाई होने के, बट वो चेन्नई ऐसा कर नहीं पाई। अब चेन्नई उम्मीद करेगी जो उनका आखिरी मैच है दिल्ली के अगेंस्ट वो जीतें, क्वालिफाई करें और टॉप 2 में बाकी टीम्स कुछ ऐसे मुकाबले हारें या जीतें जिससे वो टॉप 2 में क्वालिफाई कर सके चेन्नई, और फिर से चेन्नई में आपको पहला मैच क्वालिफायर खेलते हुए दिखे।
बात करें बाकी टीम्स की, तो बाकी टीम्स भी अभी ऐसी फंस रखे हैं, गुजरात, चेन्नई, मुंबई, ये तीन कंटेंडर ऐसे हैं जो कि लग रहा है कि आराम से इजली क्वालिफाई कर सकते हैं, पर ये आईपीएल है, इनक्रेडिबल प्रीमियर लीग है, कुछ कहा नहीं जा सकता कौन सी नीचे वाली टीम आके ऊपर क्वालिफाई कर जाए, कौन सी ऊपर वाली टीम डिस्क्वालीफाई कर जाए। बात करें एक और खबर की, तो ये ऑफ द फील्ड क्रिकेट की खबर सामने आई है, सॉफ्ट सिग्नल को अब आईसीसी ने हटा दिया है। जी हाँ, आईसीसी ने अब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के होने वाले डब्ल्यूटीसी फाइनल मुकाबले से पहले ये सॉफ्ट सिग्नल हटाने का निर्णय लिया है। बताया जा रहा है कि अब आपको मैं बता दूं कि सॉफ्ट सिग्नल होता क्या था, सॉफ्ट सिग्नल में जो ऑन फील्ड अंपायर था वो अगर कैच आउट को आउट दे देता था या उसको नॉट आउट देता था, तो उसको ही अगर थर्ड अंपायर के पास कंक्लूसिव एविडेंस नहीं होते थे तो थर्ड अंपायर उसी डिसीजन पे रह के वो जो निर्णय था वो ले लिया करता था, पर अब ऑन फील्ड अंपायर्स के पास ये ऑन फील्ड अंपायर्स ये निर्णय नहीं ले पाएंगे। अब जो थर्ड अंपायर होगा वही डिसाइड करेगा कि ये नॉट आउट था या आउट था या कोई भी जो ऐसा निर्णय जो मैच का रूप पलट सकता है वो थर्ड अंपायर डिसाइड करेगा। देखना होगा सॉफ्ट सिग्नल के ना होने से क्रिकेट में कितनी चेंजेस होते हैं, क्या सुधार आते हैं और क्या ये पॉजिटिव पॉइंट है या नेगेटिव पॉइंट है, आप हमें जरूर बताएं। ऐसे ही देखते रहें, मैं सुबह आपके साथ जुड़ते रहूंगा, मॉर्निंग क्रिकेट अपडेट्स आपके लिए लाते रहूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, स्पोर्ट्स क्रेजी बेल आइकन पर क्लिक करें। तब तक के लिए